रियल लाइफ जिंदगी में कोई फिल्टर नहीं होता जिसको आप स्वाइप करें तो फिल्टर से आपकी स्किन स्मूथ हो जाए। रियल लाइफ में आप जब किसी से मिलते हैं तो आपका यही चेहरा होता है, तो इस तरह से प्रोडक्ट आपको लगाना आना चाहिए जिससे कि आप जब किसी से मिले तो आपका चेहरा फ्लॉलेस लगे, वैसे भी जैसे कि आपका फोटोज में लगता है। वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाएं, रियल जिंदगी में रहना सीखें। रियल जिंदगी में आपका मेकअप अच्छा लगना बहुत जरूरी है, और यही मेरा मकसद है आपको सिखाना कि नेचुरल फिनिश के साथ आप कैसे मेकअप कर सकते हैं और नेचुरली फिल्टर वाले प्यारे और स्मूथ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्लो बाय सना। आज अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कैसे मैंने अपनी अंडर आईज को इतने अच्छे से कवर किया है, अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा मेरा वो सैड सा चेहरा पड़ने वाला, और विदाउट मेकअप ऐसी मैं हमेशा तो ही ना रहती यार, मेरे बहुत सारे रूप है। मैं मेकअप भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, आई एम अ ब्लॉगर एंड नाउ आई एम ऑल्सो ए रियल एस्टेट एजेंट। ये तो मैंने मेरी पढ़ाई की जो जर्नी थी वो आप लोगों ने बहुत लाइक की, यू गाइज लव दैट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दैट वीडियो सो मच, आई रियली अप्रिशिएट एंड आई वुड अप्रिशिएट इट मोर इफ यू जस्ट शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो बहुत ज्यादा शुक्रिया वीडियो को लाइक करने के लिए। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों ने मेरी इतनी डिप्रेसिंग और नॉन मेकअप वाली शक्ल रोती हुई देखी है, आंसू निकालते हुए रोते हुए, खुशी में भी और गम में भी और प्रेशर में भी, कि मैंने सोचा क्यों ना एक थोड़ी सी फन वीडियो बनाई जाए जिसमें थोड़ी सी कोई मेकअप टेक्निक भी आप लोगों को सिखाई जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो ए मेकअप आर्टिस्ट रिमेंबर। तो इसीलिए मैं वापस आ गई और मैंने सोचा आज बेहतरीन दिन है आपको सिखाने के लिए कंसीलर की टिप। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने ये अपना कंसीलर सेट किया है, कैसे लगाया है, क्या स्टेप होते हैं कंसीलर लगाने के लिए, क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को देखना है कि मैंने ये मेकअप थोड़ा बहुत मेकअप ही किया है, आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने ये फेस कैसे क्रिएट किया है, देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। जल्दी से अपने हेयर पिन अप करूंगी ताकि आपको दिखाऊं कि मैं कैसे अपने अंडर आईज को हाइड करती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाल जो है ना मुंह पे आ रहे हैं, बालों में बम फटा हुआ है सब। आप लोगों का मेरा पिछला व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, आई रियली अप्रिशिएट इट, इतना प्यार दिया आप लोगों ने मुझे, आई रियली अप्रिशिएट ना, क्योंकि मैंने वो वीडियो किस्तों में बनाई हुई थी थ्रू आउट द प्रोसेस और मुझे पता नहीं था कि मैं कभी लगाने वाली हूँ, लेकिन मैंने वॉज एबल टू अकॉम्प्लिश माई गोल माशाल्लाह। मैंने जब अपना एग्जाम पास कर लिया तो आई फेल्ट लाइक यू नो व्हाट, आई नीड टू शो यू गाइस। और मैंने फिर वो सारे क्लिप ना, मैंने सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए सारे क्लिप्स बनाए हुए थे कि मैं कभी पीछे जाके देखूंगी कि मैंने बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई की थी, स्पेशली नाई के साथ, नाई बहुत छोटा है अभी, ये मस्कारा बहुत अच्छा, मैं डबल कोट कर रही हूँ उसका, ये जो है ना काफी लाइक थिक लगती है, लगता है आपने कोई वो लगाया हुआ है लैशेज वगैरह लगाई, इस तरह का फैक्ट देता है मस्कारा जो। अच्छा जी, ये हो गया मस्कारा। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट मेरे खास मैंने पाकिस्तान में मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने किसी और को नहीं यूज करते हुए देखा। ओके, जब मैं लाइव सेशंस करती हूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि ये वाला प्रोडक्ट आपके आंखों के लिए बहुत बेस्ट है, स्पेशली हमारे स्किन टोन के लिए। So I love this product. It is by Becca. It hides, it completely hides your under eye circles. So I'm gonna take this. A little bit goes a long way. So you're just gonna take a tiny amount. This is how it looks like. मैंने आपको अपने अपने Mac वाली वीडियो में भी दिखाया था, ठीक है? तो I'm gonna take a little bit on this brush. It is Sigma P88. You don't have to use this brush. मेरे पास है तो मैं use कर रही हूँ, उंगलियों के साथ भी मैं लगाती होती हूँ। एक्चुअली ज्यादातर उंगलियों के साथ ही लगाती हूँ जब मैं जल्दी में होती हूँ। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बड़ा हाइड्रेटेड, इट हाइड्रेट्स माय अंडर आईज लाइक वाइड अवे, दैट्स व्हाई आई रियली लव दिस प्रोडक्ट सो मच, ठीक है? आपका ये अंडर आई छुप चुके हैं। मैं किसी और वीडियो में आपको क्राइलॉन टीवी स्टिक के साथ भी अंडर आईज छुपाना सिखाऊंगी। मेरी अंडर आईज जो काफी हद तक कवर हो गई है, अब मेरे चेहरे पे जो ब्लेमिशेस हैं उनके ऊपर भी मैं ये लगा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे, ठीक है? अब जो थोड़े बहुत ब्लेमिशेस थे वो भी छुप गए हैं। अब मैं क्या करूंगी, आई गो ओवर इट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर और एनी स्पंज जो आपके पास है, इसको धो के अच्छी तरह निचोड़ के उसके बाद यूज करें। ड्राई स्पंज कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के साथ मत यूज करिएगा, याद रखिए आपकी अंडर आईज यहां से स्टार्ट होती है, यहां से नहीं, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। इस ब्लेंड ब्लेंड है चेहरे पे पूरा एक इवन टोन तकरीबन आ चुकी है। व्हाटएवर प्राइमर यू हैव, आई लव यूजिंग Becca प्राइमर, इट इज Becca फर्स्ट लाइट प्राइमिंग फिल्टर, दैट्स व्हाट आई एम गोना यूज। एक ड्रॉप इज इनफ क्योंकि ये पूरे चेहरे को कवर कर लेता है, पर्पल सी टोन है लेकिन इट रियली ब्राइटन्स अप योर फेस, सो दैट्स व्हाट आई एम गोना यूज। ठीक है, अभी कंसीलर नहीं लगाना, मुझे पता आप लोग सोचोगे कि कंसीलर भी लगाना, नो, स्टॉप राइट हियर, यू डोंट वांट टू अप्लाई योर कंसीलर एट दिस पॉइंट, यू वांट टू अप्लाई योर फाउंडेशन फर्स्ट।
So I'm going to take my Becca foundation. I know everything is Becca today. So it is Becca Ultimate Coverage Foundation. My shade is Camel. I love it. I'm going to list all the products down below. Take a little bit. I just take a little tiny bit. And I do not really need too much of it. And use any brush, to be honest. I'm just going to take this Practic brush. And apply a thin coat. I do not like to apply too much foundation. Trust me, हमें लगता है coverage करनी है तो हमें बहुत ज़्यादा foundation चाहिए. हाँ ठीक है, अगर आपको शादी वादी पे जाना है ना, then it makes sense. Otherwise, you don't need as much. ठीक है? So you just take this much. And then you just cover all your face with a little tiny amount. ठीक है, यहाँ पे भी मुझे corrector लगाना चाहिए था थोड़ा सा, क्योंकि मेरे थोड़े से दाने जो थे ना पुराने वाले, उनके निशान नजर आ रहे हैं. Literally, I took one pump and I covered my whole face with it. Now take the beauty blender and blend your entire face. It's perfectly blended. I love this shade. It matches my skin. Perfect. In Becca Ultimate Coverage Concealer, I'm going to use the shade Caramel. So the foundation was Camel. This is Caramel. The Caramel shade in India. And I am just going to go right in the corner here first. ठीक है, and then I'm gonna take a brush and I'm gonna blend. I know, hold on, ये वाले areas को आपको लाजमी वो करना है, what do you call, conceal. So conceal this area first with the help of a brush. ठीक है, I'm gonna do the same thing on the other eye. हल्के हल्के से स्प्रेड करें इसको, then take more concealer and apply on the edges like this. अब इससे क्या होगा, I know ये टिप आजकल बहुत ज्यादा ये टिप जो है वो फेमस हुई है. इससे होगा क्या कि आपका जो चेहरा है ना, बजाय इसके कि जो आप ट्राइंगल बनाते हैं उसका, इससे आपका चेहरा जो है ना ज्यादा सैगी और ज्यादा ड्रूपी लगता है. इससे आपका चेहरा थोड़ा लिफ्ट हुआ लगेगा, इससे आपको लिफ्टिंग इफेक्ट आएगा. टेकिंग द सेम ब्रश P88 बाय सिग्मा एंड आई एम ब्लेंडिंग इट अपवर्ड्स. ओके, देयर वी गो. ओके, एंड द सेम थिंग हियर, blending it upwards. आप लोगों को एकदम से एक लिफ्टिंग इफेक्ट आ रहा होगा मेरे चेहरे पे नजर. ठीक है, now I'm gonna go ahead and I'm gonna take my damn beauty blender. I'm gonna blend it in. ठीक है, now I'm gonna quickly go ahead, I'm gonna use some powder. So powder के लिए भी मैं Becca use कर रही हूँ, उन्होंने भी मुझे recently ये send किया था. I really like the packaging, look at it, it's so sleek. I love the logo on top, and then keep me close to keep me cool. Oh, okay, so you want to keep this thing closed at all times. You want to make sure that it stays closed, because I've heard that it gives you that cooling sensation on your face, so that's what we want, right? So I'm gonna open it, open the, peel out the sticker. We're using it for the first time. See how it, देखते हैं कैसा है ये. Go ahead, I'm gonna use my favorite. This one is my top favorite. It is actually for, I think for highlighter, right? Spotlight duster. But I'm just gonna use it to apply powder. मुझे बहुत पसंद है. I'm gonna take a tiny amount of it, and I'm gonna tap out the excess because I don't want too much. और अब हम इसको अपनी आंखों के नीचे लगाएंगे, बिल्कुल टैप टैप टैप. ठीक है, यू डोंट वांट टू स्वाइप इट, आप यू डोंट वांट टू रिमूव द कंसीलर, लेकिन आपने हल्के हल्के से लगाना है. इन द न्यू वर्स यू गोना गो लाइक दिस. माय गॉड यू गाइस, यू नो इट फील्स सो कोल्ड ऑन द स्किन, लाइक इट फील्स लाइक वाटर ऑन द स्किन. दिस इज स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज.
Ooh, it feels so cold. I think I'm gonna love this powder during winter, summer. You guys, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने prickly heat powder लगा लिया. इतना ठंडा ठंडा चेहरे के ऊपर लग रहा है ना ये. This is so weird. I love it though. देखते हैं इससे मेकअप कितनी देर तक रहता है. तो पाउडर लगाने से क्या होता है कि आपका कंसीलर सेट हो जाता है. ठीक है, that's what it does. This feels like ice on the skin, you guys. Ice, literally ice. Well, we're gonna see by the end of the day कैसा लगता है. By the end of the day देखेंगे कि चेहरे के ऊपर कैसा रहता है. अच्छा, मकसद हमारा खाली स्किन को करना था, लेकिन मैंने पूरे चेहरे के ऊपर एक लाइट सी डस्ट दे दी इस पाउडर की. मैंने क्विकली ब्रॉन्ज माई फेस. तो ब्लश के लिए मैं बैका टाइम जैकलिन हिल का ही, क्योंकि बैका की चीजें यूज करी थी, मैंने कहा चलो ये भी बैका का यूज कर लेते हैं. पैलेट ठीक है, ये जो रोज पैलेट मैं ले रही हूँ अपने ब्रश के ऊपर. और ब्लश को भी नीचे, ब्लश लगाने के लिए अलग वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे ब्लश लगाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ब्लश थोड़ा सा ऊपर करके लगाती हूँ, बिल्कुल नीचे नहीं. नीचे लगाएंगे तो आपका चेहरा बड़ा लगेगा. I love blushes. I just love the highlighter. Packaging is amazing. I made a TikTok on this palette. I love it. They sent it to me 2 months ago and I love this. So I'm gonna take this frosty kind of a shade on my brush. Actually, I can take this one too, a little bit of this. Mix and match. And apne chehre ke high points ke upar main blush laga leti hu. By the way guys, ये सारी चीजें मुझे मिली नहीं है, उन्होंने भेजी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप मेरे लाइव सेशन द्वारा देखते हैं, आपको पता ही होगा मैं वही चीजें यूज करती हूँ जो कि मुझे पता होता है कि दे आर गोना वर्क फॉर यू. देर सम थिंग्स बाय बैका दैट आर माई राइड और डाई, जैसे कि करेक्टर, इट्स माई राइड और डाई. आई लव दैट करेक्टर, आई यूज इट एवरी टाइम आई डू माई मेकअप. इवन इफ आई एम नॉट यूजिंग एनी कंसीलर, आई डेफिनेटली यूज दैट करेक्टर. सो दैट इज माई राइड एंड डाई. आई एम गोना टेक अ लिटिल बिट ऑफ दिस शेड और मैं अपनी अंडर आईज पे लगा लेती हूँ. Just to open my under eyes up a little bit. Nothing much. This is done. I'm gonna use Becca's lipstick. So since I had it, it is the shade Tulip in the Becca Ultimate Lipstick Love. Okay, the name is Ultimate Lipstick Love. The lipstick bhi Becca ki hi laga lete hai, kyunki sara kuch hi Becca ka chal raha hai abhi tak ke. And let me go ahead and मेरे पास lip liner, I don't have a lip liner from Becca, so I'm just gonna use a Rimmel liquid Rimmel lip liner in the shade Coffee Bean. और अब मैंने ट्यूलिप शेड ले लेना, हालांकि पता नहीं जाता है कि नहीं जाता, let's see. So this is it, you guys. How easy was it? Tell me. Look at it. Let me just remove my pins. My makeup looks dewy. It looks nice. It looks fresh. Thanks to the... Oh my God, I still feel the coolness on my face from this Becca powder. It is amazing. I love it. I think I'm going to be using it a lot more because it does not feel heavy on the skin. It feels like skin. It feels light. I love this stuff. मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं जिसमें आपके लिए ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो. अब इसमें कोई हाई आई मेकअप नहीं था. अब मैं सोच रही हूँ कि काफी लोग मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कोई जरा डिफरेंट किस्म का आई मेकअप हो, तो मैं आई मेकअप की भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं जल्द. कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछा करें मुझसे कॉमेंट्स में. इफ इट इज अ नेगेटिव कॉमेंट, आई डू नॉट माइंड, आई इट्स ओके. आई इसी तरह ही मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतर करती हूँ, कर सकती हूँ अपने आप को, तो आई डू नॉट रियली माइंड एट ऑल. आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप लोग मुझे कॉमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कोई और क्वेश्चन. आज मैंने जैसे आप लोगों को कंसीलर लगाना सिखाया है, कंसीलर लगाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अब जैसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते थे, अब मैंने देखा, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वो ट्रायंगल नहीं बनाया. एक तो टू मच कंसीलर लगाना जरूरी नहीं होता, ठीक है. टू मच कंसीलर से कुछ नहीं होने वाला, आपको कवर नहीं बल्कि वो क्रैक होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे. तो कोशिश करें कि आप कम से कम कंसीलर लगाएं.
कम से कम प्रोडक्ट लें और उसके साथ खेलें, उसके साथ उसको स्प्रेड करें। आई होप कि आप लोगों को कंसीलर लगाने की ये टिप पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफरेंट टाइप के कंसीलर यूज करूं तो मुझे बताएं। और मैं अब आप लोगों के लिए क्रायलॉन टीवी स्टिक के साथ कैसे आप अंडर आइज, क्योंकि हर एक के पास अगर पहुंच नहीं है इसकी तो इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं आपको इसकी चीपर ऑप्शन भी बता दूंगी। एंड यहाँ पे भी एक्सपेंसिव ही कंसिडर होता है, तो पाकिस्तान में तो और भी ज्यादा होगा। इट इज ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। आई विल शो यू अ ट्रिक हाउ टू करेक्ट योर अंडर आइज यूजिंग एनी टीवी स्टिक दैट यू हैव और अ टीवी स्टिक का पर्टिकुलर कलर, आई विल लेट यू नो व्हिच वन इट इज। ठीक है, तो टीवी स्टिक के साथ भी मैं आपको अंडर आइज स्टिक करना सिखाऊंगी और कंसील करना भी सिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। बट इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज 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 शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। आई वुड अप्रिशिएट योर लव एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी और वीडियो में आपको फुल कवरेज, फाउंडेशन, फुल वीडियो, हैवी मेकअप करना भी सिखाऊंगी मैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।